हेलो गाइस, मेरा नाम साहिल चौधरी है। गाइस, कुछ दिन पहले मेरा एक वीडियो आया था जूम पे, जिसमें मैंने मी टू मूवमेंट के थ्रू अपने साथ हुए सेक्सुअल हरासमेंट के बारे में बताया था। और उसके जो रोहित वर्मा ने जो उसका जवाब दिया है, वो कुछ इस तरीके से उसने कुछ मैसेजेस, स्क्रीनशॉट्स उसके और मेरे बीच में हुई चैट के भेजे हैं, जो कि बहुत ही नॉर्मल है। और मैंने बहुत पोलाइट होके बात करी हुई है, कुछ ऐसे उसको नहीं दिखाया वो अपनी चैट में कि मैंने कि आओ मेरे साथ सेक्सुअल हरासमेंट कर लो, आई एम रेडी टू हैव सेक्स विद यू, ऐसा मैंने कुछ नहीं लिखा हुआ। और जो भी बातें हुई हैं उसने, अब कोई इंसान सारी की सारी चैट तो दिखाएगा नहीं अपनी, वो बीच बीच में से क्रॉप कर करके थोड़ी थोड़ी चैट्स डिलीट कर दी। और मेरे पास तो वो चैट इवन थे भी नहीं, क्योंकि वो हुई भी 3-4 साल पहले की, उसने तो पता नहीं संभाल के भी क्यों रखी हुई है, रखी कैसे पता नहीं। हम तो फ़ोन चेंज करते हैं, हमारी तो चैट चेंज हो जाती है, उस बंदे की पता नहीं अभी तक डेटा उसने कैसे संभाल के रखा हुआ है। हैट्स ऑफ, गुड यार, अच्छा इस उसके बाद उसने जो चैट भेजी, जो एक मेजर जो उसने चैट है जो मैं बता देता हूँ, जिसमें लिखा हुआ है मैक्स 627 और इट्स वाटर रेसिस्टेंस और इफ़ यू बिकॉज यू डोंट डू जिमिंग, हाँ मुझे याद है, बिकॉज यू डोंट डू जिमिंग। तो वो लोग बहुत वल्गर तरीके से ले रहे हैं उसको। उससे पहले जो चैट हो रही थी वो मुझसे एक विग के बारे में पूछ रहा था, जो कि एक लंबे बाल थे, जो कि मैंने एक काफ़ी बार यूज़ करी है, क्योंकि मेरे बाल बहुत छोटे में रखता हूँ, तो मुझे जो बड़े बाल चाहिए होते थे तो मैं वो यूज़ कर लेता था। तो उसने मुझसे वो पूछा था कि वो कहाँ से मिलेगी और ये कितने टाइम चलती है। तो मैं उसको बता रहा था ये बहुत अच्छी चीज़ है और ये इसका रेट भी बताया मैंने उसे, और उसको बोला वो 3-4 मंथ्स तक चलेगी, मतलब अगर रेगुलर भी पहना तो 3-4 मंथ्स। और अब यहाँ से बात आती है, और मैक्स 627 इट्स वाटर रेसिस्टेंस, पानी में ख़राब नहीं होता, और बिकॉज यू डोंट डू जिमिंग, इसलिए मैं बोल रहा था 6 to 7 मंथ्स मैक्सिमम चल जाएगी, क्योंकि मैं जब आप जिम करते हो स्वेट आता है तो वो ख़राब हो जाता है। सो वो मैं उसे बता रहा था। और जहाँ भी मैंने उसे प्यार से बात किया, अगर मैंने कहीं पे बेबी वर्ड यूज़ भी कर लिया है, बाबू भी वर्ड अगर मैंने चलो यूज़ भी कर लिया, तो उसमें गलत क्या होता है? अगर आप नॉर्मल भी किसी से बात करो, मैं तो अपने भी दोस्तों के साथ यूज़ कर लेता हूँ, मेरी जो लड़कियाँ दोस्त हैं उनके साथ भी कर लेता हूँ, लड़के दोस्त हैं उनके साथ भी कर लेता हूँ, किसी को डार्लिंग भी बोल देता हूँ, किसी को जानू भी बोल देता हूँ। मतलब ये तो मेरे क्लोज़ फ्रेंड्स हैं जिनको मैं बोल देता हूँ, वो मेरा कोई क्लोज़ फ्रेंड इतना है नहीं, बट एक होता है ना कि यार वो एक गे है, वो कोई बहुत स्ट्रेट नहीं है या कोई लड़की है, तो थोड़ा आप पोलाइट नेचर अपनी तरफ से रखते हो सबके लिए। और दूसरी बात, जो आपको काम दे रहा है तो आप उससे जाहिर सी बात है बदतमीजी या रूड तो बात करोगे नहीं, ये मुझे काम दे दे, मैं तेरे पास काम मांगने आया, मुझे काम चाहिए तेरे से, ऐसे तो आप बात करोगे नहीं, प्यार से ही बात करोगे, यार हाय हाउ आर यू जो भी आप पूछते हो प्यार से। तो आप नॉर्मल चैट में इमोटिकॉन्स भी भेज देते हो। अब इमोटिकॉन्स बहुत बार ऐसे जो आता है ब्लिंक वाला और साथ में किसेस वाला, अगर आप किसी लड़की की तारीफ भी कर देते हो तो वापस से वो भी आपको वो टेक्स्ट ऐसे भेज देती है। दैट डजंट मीन कि आप उन कि उसने वो आपको प्रोवोक करेगी, आओ मेरे साथ किस कर लो, मुझे किस कर लो, मुझे स्मूच कर लो, या मेरे प्राइवेट पार्ट्स पे हाथ डाल दो, ऐसा कुछ नहीं होता है। बहुत नॉर्मल है, अगर आप बहुत ही ऑर्थोडॉक्स सोच रहे हो तो आप बहुत गलत हो। इट्स 21st century, तो थोड़ा सा अपग्रेड कर लो अपने आप को प्लीज़। और ये सेक्सुअल हरासमेंट मैसेजेस के थ्रू नहीं होती है। मैसेजेस में उसको कैसे कोई वेयर्ड मैसेज कर सकता हूँ, जब मुझे पता है मैं उससे काम मांग रहा हूँ। यार आप बीच की चैट तो सारी डिलीट करके दिखा रहे हो, मेजर पार्ट तो आप कुछ भी दिखा दो उस चैट में, आपकी मर्जी है। बट ये बहुत चीप हरकत है, बहुत ज़्यादा चीप हरकत है। अगर मुझे, आप बोल रहे हो ना पब्लिसिटी कर रहा हूँ, पब्लिसिटी अगर मुझे करनी होती ना, मैं आप जैसे चीप डिज़ाइनर का नाम नहीं लेता, मैं करण जौहर का नाम ले लेता। अगर मुझे इतना ही पब्लिसिटी का शौक है तो मैं किसी बड़े आदमी का नाम लूंगा ना, तुम्हारा क्यों नाम लूंगा चीप इंसान। लोगों को गलत गलत चैटें दिखा रहे, लोग मुझसे पूछ रहे ये क्या है। वैसे वो इंटरव्यू भी मेरा जूम पर आ चुका है जिसमें मैंने जवाब दिया है, आप वो भी देख सकते हैं। और यहाँ पे भी मैं बता रहा हूँ कि वो बहुत फेक तरीके से उसको दिखा रहा है। सो इट्स अप टू यू गाइज, आप क्या सोचते हो, क्या विश्वास करते हो, इट्स अप टू यू गाइज। मैंने मेरा सच बता दिया, आपको विश्वास करना नहीं करना है वो आपके हाथ में। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी।